हैप्पी मॉर्निंग क्लास 10। कल हम लोग जहाँ पे ख़त्म किए थे उससे आगे स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट्स। फ्रांस में जो है नेशनलिज्म की भावना जो है उसका उदय होने के क्या क्या फैक्टर्स थे, और साथ में राष्ट्रीय राज्य यानी कहने का मतलब जिसे आज हम लोग कंट्री कहते हैं, कंट्री के नाम से जानते हैं, उन सभी के उदय होने के क्या क्या फैक्टर्स थे। तो सबसे पहले जो है हमारा वो है मेजर पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ मिड 18th century यूरोप। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यूरोप का जो मध्य 18वीं शताब्दी के दौरान का जो मुख्य राजनीतिक गुण है उसको जानना जरूरी है। इन द मिड 18th century देयर वॉज वेयर नो नेशन स्टेट्स इन यूरोप एज वी नो देम टूडे। मध्य 18वीं शताब्दी में वहाँ पे यूरोप में जो है कोई भी जो है राष्ट्रीय राज्य नहीं थी जैसा आज हम लोग जानते हैं। मतलब आज जिन देशों को यूरोप में हम लोग जान रहे हैं उस तरह करके वहाँ पे उस समय कोई देश नहीं थे। जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड वेयर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डसेस एंड कैंटोन्स। जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड ये सभी जो थे वो क्या थे, राज्यों में जो है वो बटे हुए थे, राज्यों में, डचीज में और कैंटोन्स में बटे हुए थे। हुज रूलर हैड देयर ऑन ऑटोनोमस टेरिटरी, जहाँ के शासक का जो है अपना स्वायत्त क्षेत्र था जिन पे उनका शासन चलता था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की रूलिंग ओवर डाइवर्स पीपुल। पूर्वी और मध्य यूरोप जो था वो क्या था, निरंकुश शासकों के अधीन था जो विभिन्न प्रकार के लोगों को, विविध लोगों पर जिनका जो है सो शासन था। दे डिड नॉट हैव एनी कॉमन आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर। उन लोगों का जो है ना तो एक कॉमन पहचान था ना ही कॉमन कल्चर था, यानी एक समान ना तो उनकी पहचान थी ना ही एक समान संस्कृति थी। किस तरह से, तो वो देखिए, दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। वो क्या करते थे, उनकी भाषाएं जो थी वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग जातीय समूह से वो संबंध रखते थे। द हैब्सबर्ग एम्पायर डेट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज ए पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड पीपुल। जो हैब्सबर्ग साम्राज्य जो है ऑस्ट्रिया हंगरी पे जो है शासन करता था वो क्या था, विभिन्न क्षेत्र और विभिन्न प्रकार के लोगों का एक कहिए तो धब्बा, जिस तरह से हम लोग अगर आप कहें एक चादर जो है विभिन्न टुकड़ों को सीसी करके बनाया जाता है, उसी तरह से पैचवर्क करके जो है वो राज्य जो है बना हुआ था। अलग अलग तरह के लोगों का था, अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोग उसमें रहते थे, ना तो उनमें कोई भी तरह की समानता जो है वो नज़र नहीं आती थी। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, इट इंक्लूडेड पीपल ऑफ अल्पाइन रीजन जिनको हम लोग टायरोल के नाम से जानते थे, ऑस्ट्रिया एंड स्वीट्ज़रलैंड एंड बोहेमिया वेयर द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। ऑस्ट्रिया और स्वीट्ज़रलैंड और बोहेमिया जहाँ पे अभिजात वर्ग, समाज के जो प्रतिष्ठित वर्ग लोग थे वो लोग रहते थे, वो जर्मन भाषी थे। लोम्बार्डी एंड वेनेटिया विच वेयर इटालियन स्पीकिंग रीजन्स, उसका जो लोम्बार्डी और वेनेटिया जो क्षेत्र था वहाँ पे इटालियन बोलने वाले लोग जो है सो इटालियन भाषी जो लोग थे वो रहते थे। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मग्यार, और हंगरी में क्या होता था, आधी आबादी जो थी वो मग्यार बोलती थी। इन हंगरी हाफ द पॉपुलेशन स्पोक मग्यार वाइल द अदर हाफ स्पोक वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। हंगरी में जो है आधी आबादी जो है वो मग्यार बोलती थी, जबकि आधी आबादी में जो है अलग अलग तरह की बोलियां जो है वो लोकल बोलियां प्रचलित थी। इन गैलिसिया द एस्ट्रोक्रेसी स्पोक पॉलिश बिसाइड द डोमिनेंट ग्रुप देयर ऑल्सो लिव्ड विद द एम्पायर ए वास्ट नंबर ऑफ पीजेंट पीपुल द बोहेमियाज एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, स्लोवेंस इन कार्नोलिया, क्रोट्स टू द साउथ एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया। गैलिसिया में जो अभिजात वर्ग के लोग थे वो
पोलिस भाषा बोलते थे। इन प्रमुख समूहों के अलावा साम्राज्य के साथ उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, उत्तरी कोरिया में कार्नियोला में स्लोवानिया, दक्षिण में क्रोटस, ट्रांसवेनिया में पूर्व में रोम के लोग भी रहते थे। सच ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपुल कुड नॉट प्रोमिस आइदर पॉलिटिकल यूनिटी और कलेक्टिव आइडेंटिटी। लोगों का ऐसा विविध समूह जो है राजनीतिक एकता और सामूहिक पहचान को बढ़ावा नहीं दे पा रहा था, नहीं दे सकता था। द वनली फैक्टर डेट बाउंड देम टूगेदर वॉज देयर एलिगेंस टू द एम्पायर। इन लोगों को जो एकमात्र जो है आपस में बांधे हुए रखी थी वो थी वहाँ के बादशाह सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा। यानी इतनी विविधताओं के बाद सिर्फ एक ही वजह से वो लोग एक थे, वो थी उनकी अपने सम्राट के प्रति निष्ठा। लेट अस नाउ कंसीडर द फैक्टर्स विच हेल्प इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ ए नेशन स्टेट। अब हम लोग जो है उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो क्या हुआ राष्ट्रीयता की भावना को के उदय में सहायक हुआ और साथ में नेशन स्टेट के उत्पन्न करने में सहायक हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइज ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में नए सामाजिक ग्रुप का जो है उदय, नए सामाजिक समूहों का उदय। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास इन यूरोप बोथ सोशली एंड पॉलिटिकली। दे ऑन लार्ज स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। दे स्पोक फ्रेंच इन हाई सोसाइटीज एंड फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी। द मेम्बर्स ऑफ दिस क्लास वेयर यूनाइटेड बाई ए कॉमन वे ऑफ लाइफ। देयर फैमिलीज वेयर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। भू अभिजात वर्ग जो था उसका यूरोप पर जो है एक प्रभाव था, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से। देश के बड़े कस्बों में इनका जो है देश में गांव कंट्री साइड्स में इनका जो है भूमि पर जो है ज़्यादा कब्जा था। यहाँ तक कि इनकी जो घर भी जो है ये लोग जो है घर भी मकान भी जो है काफ़ी बड़े बना रखे थे। ये लोग जो है समाज के जो उच्च समाजों में जो है ये अपने कूटनीतिक उद्देश्यों से पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी के वजह से ये लोग जो है फ्रेंच का इस्तेमाल करते थे, फ्रेंच भाषा बोला करते थे। इस वर्ग के सदस्य जो है आपस में जो है जीवन के एक कॉमन वे से आपस में जुड़े थे। वो क्या था कि उनके परिवारों के बीच में जो है आपस में वैवाहिक बंधन जो है सो विवाह के संबंध से जो है वो लोग आपस में जुड़े हुए थे। द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज ए स्मॉल ग्रुप वाइल बल्क ऑफ पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्स। इन द वेस्ट लैंड वॉज कल्टिवेटेड बाई टेनेंट्स एंड स्मॉल फार्मर्स। इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द लैंडलॉर्ड्स ओन्ड वास्ट स्टेट्स विच वेयर कल्टिवेटेड बाई द सर। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी यानी भू अभिजात वर्ग जो था वो समाज का एक छोटा सा समूह था, जबकि आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो किसानों से बना हुआ था। पश्चिम में जो है वो किराएदार और छोटे किसान जो है रहते थे, जबकि पूर्व और मध्य यूरोप में जमींदारों के पास जो है काफ़ी भू संपदा थी, काफ़ी जमीन थी जो सर्फों के द्वारा जो है उसकी खेती की जाती थी। पश्चिमी और मध्य यूरोप के कुछ हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार का जो है सो वहाँ पे उदय हो चुका था, जिसके वजह से शहर जो है शहरों के टाउन्स जो है वो जो है उनकी संख्या जो है बढ़ रही थी और साथ में वाणिज्यिक वर्गों का जो है उदय हो रहा था। दे हैड नो इंटरेस्ट इन द लैंड और इट्स कल्टीवेशन। समाज के इस वर्ग को जमीन में रुचि नहीं थी, ना ही उनकी खेती में रुचि थी। दे वर मेनली इंटरेस्टेड इन
प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, इनकी खास रुचि बाजार के लिए उत्पादन करने में थी। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी बट इट सून स्प्रेड टू फ्रांस एंड सम जर्मन स्टेट्स इन द 19th सेंचुरी। पहले जो औद्योगिक क्रांति जो थी वो उसकी शुरुआत जो है इंग्लैंड में हुई 18वीं शताब्दी के मध्य में, लेकिन जल्द ही यह फ्रांस और कुछ जर्मन राज्यों तक 19वीं शताब्दी तक में पहुंच गई। एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू ए सोसाइटी ए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास कंसिस्टिंग ऑफ प्रोफेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन। औद्योगिक क्रांति की वजह से समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसमें वर्किंग क्लास थे, जो काम करने वाले मजदूर थे वो उस जो है इसमें शामिल हुए, साथ में मिडिल क्लास में जो किसी भी चीज़ में जो दक्ष थे, प्रोफेशनल थे, औद्योगिक उद्योग लगाने वाले थे, व्यापारी वर्ग थे, इन सभी का उदय हुआ। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दे वेयर अ स्मॉल इन नंबर। मध्य और पूर्वी यूरोप में इनकी संख्या जो है कम थी। इट वॉज एमोंग द एजुकेटेड क्लासेज वेयर न्यू आइडियाज ऑफ द नेशनल यूनिटी डेवलप। इनके बीच में जो शिक्षित वर्ग थे उनके बीच में क्या हुआ कि राष्ट्रीय एकता की भावना के जो है नए विचार उत्पन्न हुए। दे अपोज एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेज एंड प्रपोज देयर एबोलिशन। ये लोग जो है समाज के उच्च वर्गों को जो विशेष अधिकार प्राप्त थे उसका इन्होंने विरोध किया और साथ में इसके उन्मूलन के लिए उन लोगों ने प्रस्ताव पास किया। अब नेक्स्ट पैरा हम लोग देखते हैं। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म मीन? लिबरल मीन्स होता है उदारवाद। तो उदारवाद राष्ट्रीयता से क्या मतलब हुआ? द टर्म लिबरलिज्म कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री। लिबरिज्म शब्द जो है लैटिन शब्द लिबरल लिबर से आया जिसका मतलब होता है मुक्त। द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वॉज एसोसिएटेड विद द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। फॉर द मिडिल क्लासेज लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। ये जो लिबरल शब्द जो है वो लैटिन भाषा के आपके जो है लिबरल शब्द से आया, ये आपका जो है लिबर शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है मुक्त। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में 19th सेंचुरी के जो शुरुआती पीरियड है अर्ली पीरियड में क्या हुआ था कि यूरोप में राष्ट्रीय एकता का विचार जो है उदारवाद की विचारधारा से जुड़े हुए थे। जो नए मध्य वर्ग के लोग थे उनमें लिबरलिज्म का मतलब होता था किसी व्यक्ति विशेष की जो है आज़ादी और कानून के नज़र में सब कोई बराबर हैं, यही उसका मतलब होता था। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म के बारे में, तो यानी राजनीतिक उदारवाद। तो सबसे पॉलिटिकल लिबरलिज्म बिलीव्स दैट इंडिविजुअल्स आर द बेसिस ऑफ लॉ एंड सोसाइटी। राजनीतिक उदारवाद का ये मानना था कि किसी भी कानून और समाज का जो है आधार जो है वो व्यक्ति विशेष है, इंडिविजुअल जो है वो बेस है लॉ और सोसाइटी के। सेकंड, सोसाइटी एंड इट्स इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट टू फर्दर द एंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट शोइंग फेवर टू दोज ऑफ हायर सोशल रैंक। समाज और उसकी संस्थाएं जो थी वो समाज के उच्च वर्गों को न देख करके बल्कि सभी के जो भी व्यक्ति थे उन्हें जो है इंडिविजुअल के रूप में देखना था, ना कि समाज में रैंक के आधार पर, उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर जो है किसी को आंकना था। थर्ड के जगह में यहाँ पे फोर्थ नंबर यहाँ पे बुक में प्रिंट हो चुका है तो उसको हम लोग थर्ड ही लें। थर्ड जो है, सिटीजन्स मेक लॉज एंड एग्री टू अबाइड बाई दोज लॉज। यानी नागरिक ही कानून बनाते हैं और उन कानूनों को पालन करने के लिए वो सहमत होते हैं। फोर्थ है जो आपके बुक में फाइव लिखा गया है, इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इंडिविजुअल्स नो बेस्ट व्हाट इज बेस्ट फॉर देम।
इसके अनुसार पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो है वो क्या है, इस विश्वास पर आधारित है कि उसके बारे में व्यक्ति जो है वो क्या है, जानता है कि वो उसके लिए क्या सबसे अच्छा होगा। सिक्स यानी फिफ्थ, पॉलिटिकल लिबरलिज्म गिव्स राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ सेक्स, रेस और इकोनॉमिक स्टेटस। यानी राजनीतिक उदारवाद, राजनीतिक स्वतंत्रता की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या है, जितने भी जो वयस्क नागरिक हैं उनको ना तो लिंग के आधार पे, नहीं तो वर्ण के आधार पर, नहीं समाज की आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किए बगैर वोट देने का अधिकार देना था। और लास्ट जो है, जो आपके बुक में सेवेंथ लिखा हुआ है, हम लोगों के अनुसार वो सिक्स्थ होगा, पॉलिटिकल लिबरलिज्म एम्फेसिस रूल ऑफ लॉ एंड सपोर्ट लिबरल डेमोक्रेसी। अर्थात राजनीतिक स्वतंत्रता ही हम लोग कहें उदारवाद के जगह में, तो राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो क्या करती है, कानून के शासन पर जोर देती है और एक उदार लोकतंत्र का समर्थन करती है। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privilege, a constitution and representative government through parliament. फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद संसद के माध्यम से, यानी हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से जो स्वतंत्र संसद के माध्यम से समाज के जो निरंकुश लोग थे, जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था, उनको क्या किया गया, उनको एक संविधान के द्वारा जो है प्रतिनिधि सरकार के द्वारा जो है उनके सभी अधिकारों को जो है नष्ट कर दिया गया संसद के द्वारा कानून पारित करके। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो एम्फेसिस द इनवॉलिबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। 19वीं सदी में उदारवादियों ने निजी संपत्ति की इधर से उधर ट्रांसफर होने पर भी जो है जोर दिया। ऐसा नहीं कि जो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो कोई और किसी को वो दे नहीं सकता है, ना किसी से ले सकता है, उसका आदान प्रदान भी उन लोगों ने करने पर जो है जोर दिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है, इसे अपलोड होने में भी समय लगेगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिमिटेड मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो है देखेंगे और इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, साथ में कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉलिबेरियन इसको हम लोग देखेंगे।